विघ्नहर्ता श्री गणेश श्री गणेश श्री गणेश नमो नमो पराशक्तिमा नमो नमो महाशक्तिमा नमो नमो पराशक्तिमा नमो नमो महाशक्तिमा नमो नमो पराशक्तिमा नमो नमो महाशक्तिमा व्यर्थ है इन्हें क्या सुनना कर लो भजन कर लो कब तक कर पाएंगे स्वयं ही शांत हो जाएंगे भंडासुर बस कुछ समय और प्रतीक्षा कर लो कैसा अनर्थकारी दृश्य है स्वर्गलोक के सभी देवी देवता इस प्रकार कणों में परिवर्तित होकर विलीन क्यों हो रहे हैं नारायण देवी लक्ष्मी ब्रह्मदेव देवी सरस्वती ऋषि मुनि सब पर किसका प्रभाव छा रहा है नंदी जी क्या आपको ज्ञात है इस दृश्य के पीछे रहस्य माँ ये सब माँ इस दृश्य ने तो मुझे आश्चर्य में डाल दिया पिताश्री महादेव और माँ भी सभी के साथ इन भिन्न रंगों के कणों का रूप लेकर कैसे विलीन हो रहे हैं भूमि में मेरे और श्री माता ललिता के सिवाय कोई भी शेष नहीं ये कैसे संभव है सूर्य देव का प्रकाश भी लुप्त हो रहा है समय का चक्र भी थम गया है
जिसने भी मेरा सब कुछ छीना है उसका भी सब कुछ छिन जाएगा। सभी माताएं कहां दृश्य हो गईं? सूर्य देव तो निरंतर अपने पद पर गतिमान रहते हैं, कदाचित देवताओं को इसका कारण ज्ञात होगा। स्वर्ग लोग भी देवताओं से रिक्त है, तो मामा जी या फूफा जी कदाचित मुझे कुछ बता सके। कहीं कोई नहीं, किंतु पिताश्री, माँ और ज्येष्ठ कार्तिकेय तो अवश्य मेरी जिज्ञासा शांत करेंगे। मुझे कैलाश जाना चाहिए। तीनों लोग निर्जन हो चुके हैं, अब मैं किससे पूछूं कि संकट का क्या कारण है? कहीं कोई नहीं है अनुज गणेश? न ऋषि मुनि, न देवता, न त्रिदेव और ना ही त्रिदेवियां, तुम्हारे मेरे श्री माता ललिता और सूर्य देव की सिवाय। हमारे सिवाय कौन भैया? मात्र प्रभु महाशिव और महाविष्णु ही हैं। अर्थात अब मात्र हम छह ही शेष हैं। हाँ गणेश, प्रभु महाशिव, प्रभु महाविष्णु, श्री माता ललिता, सूर्यदेव, मैं और तुम। अर्थात जो परम ब्रह्म स्वरूप है वही शेष है। भंडासुर, क्या भंडासुर ऐसा कुछ करने में सक्षम है भैया? सभी देवी देवता, त्रिदेव और त्रिदेविया जब विलुप्त हो रहे थे तब ये दुष्ट ही जैसे किसी प्रतीक्षा में था, जैसे उसे ज्ञात था कि यहाँ क्या होने वाला है। सूर्य देव के अस्त होने के पूर्व ही ये दुष्ट अपनी योजना को मूर्त रूप दे चुका था। तब तो मात्र यही हमें अपनी कपट योजना के बारे में बता सकता है भैया। आप यही माता के निकट रहकर उनकी सुरक्षा सुनिश्चित कीजिए, मैं अभी लौट कर आता हूँ। इस बार मैंने ऐसा उपाय किया है जो इन सभी को दुर्बल बना देगा और मेरा सिंहासन सभी ब्रह्मांडों का सिंहासन बनेगा। पिताश्री यहाँ देखिए ना, यहाँ देखिए, मैं यहाँ हूँ। स्वर तो उसी का है, किंतु वो यहाँ कैसे हो सकती है? उसे तो स्वयं मैंने अपने इन हाथों से। ये आपके हाथों का क्या है पिताश्री? ये रक्त हट क्यों नहीं रहा? बढ़ता ही क्यों जा रहा है? पिताश्री, ये क्या मेरा रथ है? क्या ये मेरा रथ है पिताश्री? पिताश्री, ये क्या मेरा रथ है? क्या ये मेरा रथ है पिताश्री?
बार बार ये दृश्य मेरे सामने क्यों आ रहे हैं? ये इस प्रकार क्यों सता रही है मुझे? क्या ये मेरा रहता पिताश्री? क्या ये मेरा रहता पिताश्री? नहीं, मिटा दूंगा उसे, बुला दूंगा उसकी प्रत्येक स्मृति को, तभी धुलेगा मेरे हाथों का ये रक्त, अनंत होगा रह रहकर ये उठने वाली इस पीड़ा का। कुछ नहीं शेष छोड़ूंगा मैं, उसका स्वर, उसका स्वर अब कहीं से नहीं आने दूंगा मैं। ये दृश्य इसे और नहीं सह सकता मैं। बड़ी दयनीय अवस्था है तुम्हारी भंडा सिंह। व्यक्ति के कर्म कभी उसका पीछा नहीं छोड़ते, कर्म ही पुरस्कार दिलाते हैं, तो वो दंड का कारण भी तो बनते हैं। तो ये आप ही थे जो मुझे कष्ट पहुंचा रहे थे? नहीं भंडासुर, ये तो तुम स्वयं अपने साथ कर रहे हो। जो कुछ भी तुम्हारे साथ हो रहा है और जो होगा, वो अन्य किसी के नहीं, तुम्हारे ही कर्मों का परिणाम है। मैं तो तुमसे इतना ही पूछने आया हूँ कि इस बार तुमने क्या किया है? वही किया है मैंने गणेश जी, जो मेरे साथ हुआ है। मेरा संसार ही छिन गया, तो मैंने संसार से उसका सब कुछ छीन लिया। सब कुछ छीन लिया? अर्थात बताओ मुझे भंडासुर, क्या किया है तुमने? वही जो मुझे बहुत पहले कर देना चाहिए था, वही जिससे अब सब कुछ परिवर्तित हो जाएगा। भंडासुर, आज तुमने प्रमाणित कर दिया कि अज्ञानी ही नहीं महामूर्ख भी हो तुम। परिणाम जाने बिना किया गया कार्य कभी भी किसी का सहायक नहीं हुआ है। तुम्हारे कारण संपूर्ण ब्रह्मांड का अस्तित्व मिटने वाला है, क्योंकि संपूर्ण सृष्टि ऊर्जा विहीन हो जाएगी। पंच तत्व ही नहीं, अन्य ग्रह भी अपनी शक्तियां खो देंगे। कुछ भी गतिमान नहीं रहेगा, समस्त जीवन धीरे धीरे थम जाएगा। अब जब ना धरती और ना अन्य ग्रह अपनी धुरी पर गतिशील रहेंगे, और ना ही वो सूर्य के चारों ओर अपने कक्ष में घूम सकेंगे, तो वो अपनी गुरुत्वाकर्षण शक्ति को भी खो देंगे। और तब सभी ग्रह एक दूसरे से, आकाश गंगाएं अन्य आकाश गंगाओं से, और ब्रह्मांड दूसरे ब्रह्मांडों से टकराकर नष्ट हो जाएगा। ऐसे असंख्य विस्फोट होंगे कि सब कुछ नष्ट हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। अब जब सब नष्ट हो जाएगा, तो तुम किस पर राज करोगे भंडासुर? मैंने कहा था ना, अंत ही मेरा आरंभ है। मैं एक नए ब्रह्मांड की रचना करूंगा, और उस ब्रह्मांड का शिव और शक्ति ही नहीं, ब्रह्मा और विष्णु भी मैं ही बनूंगा। बुद्धि भ्रष्ट हो गई है तुम्हारी भंडासुर, अभी रोक दो इसे, अन्यथा सब मिट जाएगा, तुम भी। परिणाम की चिंता करना मेरा स्वभाव नहीं, मैं तो बस जो चाहता हूँ वो करता हूँ।
मेरे हाथ शिथिल और जड़ क्यों होते जा रहे हैं? मेरे हाथ, मेरी भुजाएं इस प्रकार निर्जीव होकर नष्ट क्यों हो रहे हैं? जो जाल तुमने बुना है वो तुम्हें ही निगल रहा है भंडासुर। अब कुछ ही समय शेष है, अभी भी बता दो मुझे क्या किया है तुमने। ऐसा ही रहा तो सब कुछ नष्ट होता जाएगा और अपने किए का परिणाम तो तुम भी भुगतोगे। अंत निकट है भंडासुर, उससे रक्षा चाहते हो तो शीघ्र अपना भेद खोलो। बताओ मुझे। मैंने उनको वेदों को चुराने के लिए भेजा था। किन दोनों को? बताओ भंडासुर। है ग्रीव और दुर्गमासुर। प्रतिशोध लेना है ना तुम दोनों को, इसलिए युद्ध के लिए इतने उत्सुक हो रहे हो तुम दोनों। हम अत्यंत उत्सुक हैं क्योंकि पिछली बार हमारा प्रहार क्यों असफल रहा। ये क्या है हमें, इसलिए इस बार सफलता पूर्वक करेंगे हम अपना वार। जहाँ बड़े बड़े महायोद्धा सफल हुए वहाँ तुम कैसे सफल होगे? क्या है तुम्हारी योजना? इस बार हम वेदों को चुराएंगे भी और क्या करोगे? उन्हें नष्ट भी करेंगे। मिटा देंगे धर्म के आधार को। फिर कोई कैसे विफल करेगा हमारे इस प्रहार को? किंतु उन दोनों को इसका अवसर कैसे प्राप्त हुआ? प्रभु गणेश जी, जब आप उस देवी के हार श्रृंगार का वर्णन कर रहे थे तब दुर्गमासुर ने केतकी पुष्प का रूप धारण किया था। केतकी, तुम यहाँ कैसे? प्रश्न आपको नहीं मुझे करना चाहिए कि आप यहाँ क्यों हैं? ब्रह्मलोक है ये मेरा, संसार के रचयिता ब्रह्मदेव का स्थान। मैं इस स्थान की नहीं आपकी योग्यता पर प्रश्न कर रही हूँ। क्या आप ब्रह्मदेव के पद के योग्य हैं? स्मरण कीजिए ब्रह्मदेव, जब महादेव ने आपकी और नारायण की परीक्षा ली थी तब आपने उस परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए मुझसे झूठ बुलवाया था, जिसके कारण मुझे महादेव से श्राप मिला कि केत की पुष्प को किसी भी पूजा में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। लेकिन आपको त्रिदेव का पद प्राप्त हुआ, क्या ये उचित है? अपराध तो हम दोनों ने ही किया था ना? ब्रह्मदेव केतकी के प्रश्न उत्तर के कारण अपनी ग्लानि में उलझे रहे और उस अंतराल में हैग्रीव ने वेदों को चुरा कर अपना कार्य कर लिया। वेद मेरे हाथों में नहीं है, वेदों से रिक्त होकर मैं ही नहीं समस्त संसार ज्ञान के प्रकाश को खो देगा। ये अनर्थ तुम नहीं कर सकती केतकी। केतकी नहीं ब्रह्मदेव, दुर्गमासुर कहिए। और जिसे आप देख नहीं सकते वो मैं हूँ ब्रह्मदेव। एग्रीव, अब ना भेद रहेंगे, ना आप और ना ही आपका ये रचा संसार। मूर्ख व्यक्ति को ये ज्ञात ही नहीं रहता कि वो दूसरों को हानि पहुंचाते पहुंचाते स्वयं की कितनी बड़ी हानि कर लेता है।